गुड मॉर्निंग बच्चों, पोद्दार ग्रुप को पहले लेसन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे संघीय कार्यपालिका, और संघीय कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन, थोड़ा सा निर्वाचन हमने देख लिया था, और ये गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा एकल सूत्र में मतपद्धति से होता है या समानुपातिक एकल सूत्र में मतपद्धति से होता है। ध्यान रखें, कई बार ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है, तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। उसके बाद हम मत मूल्य की बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा विधायकों या एमएलए का मत मूल्य, उसमें हमने देखा था एक सूत्र, और वो सूत्र क्या था, राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधान सभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या। ये कल हमने देख लिया था, कल हमने देख लिया था उसके भागित 1000, इससे कर देते हैं भाग, ठीक है। तो ये आ गया किसका, एमएलए का, विधायकों का मत मूल्य, मूल्य ज्ञात करना। मत मूल्य ज्ञात करना, विधायकों का मत मूल्य। तो देखो, राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या भागित 1000। इसी के साथ आता है अगला, जो आता है वो आता है संसद सदस्यों का मत मूल्य, संसद नंबर 2 होता है संसद सदस्यों का मत भार, मत भार, संसद सदस्यों का मत भार, और इस संसद सदस्यों का मत भार में आता है राज्य विधायिका, राज्य विधायिका में प्राप्त प्राप्त कुल मतमूल्य, राज्य विधायिका में प्राप्त, राज्य विधायिका में प्राप्त कुल मतमूल्य, राज्य विधायिका में या राज्य विधायिका के राज्य के सदस्यों को प्राप्त
कुल मत मूल्य बटे संसद में निर्वाचित होने वाले कुल सदस्य अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? राज्यसभा के भी आ जाते हैं, राज्यसभा। लोकसभा के साथ साथ क्या आ जाता है? राज्यसभा के सदस्य भी आ जाते हैं, जैसे राजस्थान की मैं बात करता हूं तो राजस्थान में 25 सांसद लोकसभा में जाते हैं तो 10 सांसद राज्यसभा में जाते हैं। टोटल मिला के कितने हो गए? 25 और 10 35। 35 सांसदों का मतमूल्य निकाला जाता है, मतभार देखते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि विधानसभा सदस्यों का कुल मतमूल्य जो था वो क्या था? 68,600। देखिए जहां राजस्थान वालों को निकाल रखा है, ये और यहां से 25 प्लस 10 बराबर 35, ये था ये सदस्य। तो राजस्थान में लिख देता हूं कि सदस्यों का राजस्थान के संसद सदस्यों राजस्थान के संसद सदस्यों का मत भार राजस्थान के सदस्यों का मत भार। तो देखिए राजस्थान के जो सांसद हैं उनका मत भार आ जाता है, एक सांसद का मतमूल्य आ गया 1960, क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार हमने देखा कितनी थी, 68,54,84,37 राजस्थान की जनसंख्या थी, ठीक है। तो इस तरीके से एक सांसद, राजस्थान के एक सांसद का मतमूल्य आ जाता है कितना? 1960। तो ये ध्यान रखें, विधायकों का यानी एमएलए का मतमूल्य ज्ञात करना तो ये सूत्र से ज्ञात किया हमने, और संसद सदस्यों का मतभार के लिए ये सूत्र होगा, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए का यदि मतमूल्य निकालना है, एमएलए विधायकों का मतभार निकालना है, तो सूत्र आएगा राज्य की कुल जनसंख्या। राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? राज्य की कुल जनसंख्या जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? 68,54,84,37। भाग कितने में, सदस्य कितने थे? 200। भाग क्या कर देंगे? भागित 1000। और इस तरीके से वो आ जाएगा। तो इसी हिसाब से हमने जब निकाला तो राजस्थान के जो सांसद हैं उनका एक सांसद का मतमूल्य आया 1960। कितने आया? 1960 आया।
तो अब ये मतमूल्य देख लिए आपने, मतमूल्य देख लिए। तो इस तरीके से एमएलए और सांसद का मतमूल्य ज्ञात किया जाता है, एक बार देख लें। उसके बाद इसको मिटा दूंगा। उसके बाद वैध मत प्राप्त करना जरूरी होता है। अगला आता है वैध मत। वैध मत प्राप्त, वैध मत प्राप्त करने का सूत्र डाले गए गए डाले गए वैध मतों की डाले गए वैध मत पत्र डाले गए वैध मत पत्र डाले गए वैध मत पत्रों की संख्या प्लस एक डाले गए वैध मत पत्रों की संख्या प्लस एक और नीचे आ जाएगा निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या, निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या प्लस एक। इस सूत्र से ज्ञात करते हैं वैध मत, ठीक है। डाले गए वैध मतों की संख्या प्लस एक, निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या प्लस एक। इस तरीके से वैध मत वाला हम कोटा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से राष्ट्रपति को जो आधे से अधिक मत प्राप्त करता है उसे राष्ट्रपति विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो ये हो गए वैध मत प्राप्त करने का सूत्र। तो क्या होगा, डाले गए वैध मतों मत पत्रों की संख्या प्लस एक और निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या प्लस एक। इस तरीके से हम वैध मत निकालते हैं, वैध मत पत्रों की संख्या गिनते हैं, उसके बाद जिसको अधिक मत मिलते हैं उसे विजय घोषित करते हैं और बाकी को। अगला जो आता है वो आता है वेतन। राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन देख लेते हैं। वैसे तो विशेष अधिकार भी है, विशेषा अधिकार उन्मुक्तियां ये राष्ट्रपति का वेतन, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वे अन्य सुविधा क्या क्या सुविधा होती है राष्ट्रपति को,
वेतन कितना मिलता है देखो, आपकी पाठ्य पुस्तक में बताया गया है 1.5 लाख रुपए, ठीक है, 1,50,000, 1,50,000, लेकिन वर्तमान में, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख कितने मिलते हैं, 5 लाख, 5 लाख वेतन मिलता है आपके पाठ्यपुस्तक के अनुसार, 1.5 लाख रुपए मिलता है आपके पाठ्यपुस्तक के अनुसार, 1.5 लाख रुपए वेतन मिलता है, लेकिन वर्तमान में 5 लाख रुपए राष्ट्रपति को वेतन के रूप में मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 5 लाख रुपए, पहले कितने मिलते थे, 1.5 लाख, भारत सरकार द्वारा 11 सितंबर 2000 से राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख प्रतिमान निर्धारित किया गया है, कितने मिलेंगे, 1.5 लाख रुपए, सॉरी ये 1.5 लाख रुपए, लेकिन वर्तमान में क्या है, 5 लाख वेतन मिलता है, पांच लाख वेतन यदि आपसे कोई पूछता है तो कितना मिलता है, 5 लाख रुपए वेतन मिलता है। कहां से दिया जाता है, संसद, तो ये वेतन हो गए, अन्य सुविधा कल पढ़ेंगे।